पावर ब्रेकफास्ट में आपका स्वागत है, मैं हूं डिंपी कालरा। तो खैर, आज फिर से थोड़ा न्यूज़ फ्लो है। वो न्यूज़ फ्लो आपको बहुत ही स्पेसिफिक होकर कामकाज करने का है। जैसे कि ऑयल एंड गैस स्पेस में आज जो प्रधानमंत्री जो मिनिस्टर है, पेट्रोलियम मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान, उनका जो बयान आया है उसको लेकर आज कुछ रिएक्शन मिल सकता है। तो इस पर आप ज़रूर नज़र रखिएगा। हम भी आपके साथ आपकी हेल्प करने की कोशिश करेंगे, एनालिस्ट का व्यू आपके सामने रखकर। लेकिन एक बार पहले जरा ग्लोबल मार्केट के संकेत देख लेते हैं। एसजेक्स निफ्टी इस समय ऑलमोस्ट फ्लैट है, कल भी फ्लैट ही था। कल ऐसा लग रहा था फर्स्ट हाफ में कि थोड़ा बाजार सुस्त रहेगा, लेकिन उसके बाजार में काफ़ी सारे ट्रिगर्स, काफ़ी सारे न्यूज़ आई और बाजार ऑल ये कह सकते हैं कि अब बिल्कुल डे हाई की तरफ भी पहुंचा और लाइफ टाइम हाई की तरफ भी पहुंच गया था। लेकिन बाद में खबरें भी आ गई, तो आज कुछ वैसा ही दिन हो सकता आ जाए, कुछ सरकारी खेमों से कुछ खबर आ जाए, कुछ कॉर्पोरेट की खबर आ जाए। लेकिन फिलहाल जो सुस्त शुरुआत की है आप उम्मीद कीजिए। जैपनीज मार्केट करीब करीब 1/4% की बढ़त के साथ कामकाज कर रहा है और जो एशियन मार्केट्स खुले हैं वो फ्लैट टू नेगेटिव हैं। कल यूएस के अंदर भी हमको ज़्यादा कुछ बहुत बड़ा ट्रेड तो आते हुए नहीं दिखा है। यूरोपियन मार्केट्स के अंदर भी कुछ लेवल्स के हिसाब से बड़ी इंपॉर्टेंस नहीं थी, लेकिन न्यूज़ फ्लो हो सकता है, स्ट्रेटजी हो सकती है। इसको समझाने के लिए मेरे साथ संदीप अब जुड़ चुके हैं। संदीप, बताएं इंटरनेशनल मार्केट में न्यूज़ फ्लो क्या था? देखिए, मिले जुले संकेत है। पहली बात तो एसजेक्स निफ्टी बिल्कुल फ्लैट है, लेकिन एशियन मार्केट की जो शुरुआत हुई है वो काफ़ी मिक्स टोन के साथ देखने को मिली है। हालांकि चौथे दिन लगातार डॉलर इंडेक्स में मजबूती थी। डॉलर इंडेक्स में इनफैक्ट कल के सेशन में यूएस में तो देखे तो 92.5 तक के जो जोन्स हैं वो भी देखने को मिले, लेकिन उसके बावजूद भी काफ़ी मिक्स कारोबार देखने को मिला। क्योंकि न्यूज़ फ्लो जैसे आप कह रहे हैं, आज चाइना के कुछ की डेटा पॉइंट्स आने हैं, जिसमें एक तो इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, उसके साथ साथ रिटेल बिक्री के आंकड़े आने हैं। वो हो सकता है कि एशियन मार्केट का जो टोन है, जो मूड है वो सेट करता हुआ देखिए। फिलहाल अगर आप देखें तो काफ़ी कॉशियस ट्रेड देखने को मिल रहे हैं, बावजूद इसके कि अमेरिकन मार्केट में कल फिर से फ्लैट कारोबार के बाद जो क्लोजिंग थी पॉजिटिव थी, 1/4% के आसपास की गेंस थी और तीनों इंडाइसेस रिकॉर्ड हाई पर जाके बंद हुए। आईटी में गिरावट थी, एप्पल इसे लीड कर रहा था, लेकिन एनर्जी शेयरों में काफ़ी अच्छे गेंस देखने को मिल रहे थे, तो उससे आईटी की जो कमजोरी है वो कहीं ना कहीं निगेट होती हुई दिखी। और क्रूड फोकस में था, डिम्पे देखिए करीब 2.25% के आसपास की गेंस देखने को मिले। जो डिमांड आउटलुक है वो इम्प्रूव हो रहा है, ऐसे एक्सपेक्टेशन है, ऐसे जो अथॉरिटीज़ हैं जो उनकी ओर से भी जो रिपोर्ट्स हैं वो निकल के सामने आ रही, जिस वजह से 2.25% के गेंस कल क्रूड में देखने को मिले और $49 के ऊपर के जो लेवल्स हैं वो देखने को मिले। यूरोपियन मार्केट्स आज बैंक ऑफ इंग्लैंड की जो बैठक है उससे पहले मिक्स क्लोजिंग देखने को मिली। ब्याज दरों में कोई छेड़छाड़ नहीं होगी ऐसी एक्सपेक्टेशन है, लेकिन थोड़ा कॉशियस मूड जरूर जो यूरोपियन मार्केट्स हैं उनमें देखने को मिला। ओवरऑल देखा जाए जो सेटअप है वो बहुत ख़राब नहीं नज़र आ रहा है, लेकिन एशियन मार्केट की जो शुरुआत है वो थोड़ी सी मिक्स देखने को मिली है। देखना ये होगा कि चाइना के जो डेटा पॉइंट्स हैं वो किस तरह के निकल के सामने आते हैं और उसके बाद एशियन मार्केट की चाल किस तरह की रहती है, उसके ऊपर आज इंडियन मार्केट डिपेंड करेंगे। ये जो चाइना का डाटा संदीप आने वाला है, ये कितना पॉजिटिव लग रहा है कि आ सकता है? देखिए, इनके जो एक्सपोर्ट और इंपोर्ट के आंकड़े आए थे कुछ दिन पहले वो काफ़ी अच्छे थे। मैन्युफैक्चरिंग में भी कोई खास हमने कमजोरी नहीं देखी है, तो उस लिहाज से देखा जाए अगर ये आईपी और उसके साथ साथ ये जो रिटेल बिक्री के आंकड़े हैं ये भी अच्छे आ जाते हैं तो अपने आप में ये दिशा निर्देश देंगे कि चाइना की जो इकोनॉमी है वो कहीं ना कहीं इंप्रूव करनी है। काफ़ी बड़ी इकोनॉमी है और दुनिया भर की इकोनॉमीज पर उसका असर देखने को मिलता है, तो अगर ये आंकड़े पॉजिटिव आ सकते हैं तो हो सकता है कि एशियन मार्केट्स में लो लेवल से थोड़ी सी रिकवरी देखने को मिले, उसका जो इंपैक्ट हो सकता है इंडियन मार्केट्स में पॉजिटिव साइड पर देखने को। ठीक है, रिकवरी आ सकती है तो चाइनीज मार्केट्स को ध्यान रखें, खासकर हैंगसेंग और शंघाई दोनों ही बाजार इस पे इंपैक्टेड आएंगे, तो इस पे आप ध्यान रख सकते हैं। शंघाई का मार्केट ऑलमोस्ट उसमें फ्लैट है, वेट कर रहा है उस लेवल्स की, जैसे नंबर्स आए तो हो सकता है रिएक्शन मिले और एसजेक्स निफ्टी में भी काउंट होता हुआ देख सकते हैं आपको। शुक्रिया संदीप कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। अब जरा जब इंटरनेशनल ग्लोबल मार्केट्स की बात होगी तो जरा एफआईएस और डीआईएस का आंकड़ा भी आप देख लीजिए, लगातार सेलिंग है एफआईएस की तरफ से। और हमने आपको कल भी आपके सामने बात रखी थी कि 1 सितंबर से लेकर अब तक सिंगल डे भी ऐसा नहीं निकला जब एफआईएस ने खरीदारी मार्केट के अंदर की हो, और ये बिल्कुल उलट है डीआईएस के कामकाज के। सिंगल डे भी ऐसा नहीं था जब डीआईएस की तरफ से बिकवाली हुई हो। एक छोटी सी बिकवाली सिर्फ 50 करोड़ रुपए की 2 सितंबर को ही थी, उसके अलावा नहीं हुई। और आज भी आप देखिए डीआईएस की तरफ से 700+ करोड़ रुपए की खरीदारी है और करीब 800+ करोड़ रुपए की बिकवाली एफआईएस की तरफ से हुई है पूरे सितंबर के मंथ के अंदर। ये प्रेशर बनाए हुए है, लेकिन बाजार थोड़ा दरकिनार करते हुए इन सब चीज़ों को आगे बढ़ रहा है, 10,000 को होल्ड करने की कोशिश कर रहा है। एक बार आउटलुक भी देख लीजिए, क्योंकि अपने ग्लोबल संकेत देख लिए, एक बार एफआईएस का डाटा देखा, आउटलुक समझना जरूरी है। आज बाजार में क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय संकेत मिक्स्ड हैं तो आपको ओपनिंग थोड़ी सी सुस्त या फिर फ्लैट बिल्कुल मिलेगी, उस हिसाब से अपनी रणनीति को बनाइएगा। जहां बाजार जा रहा है वहीं के हो जाइएगा। ट्रेंड इज फ्रेंड वाला कंसेप्ट आज रख सकते हैं आप। आज आपका निफ्टी का जो लक्ष्य है वो 10,138 है, हमने जानबूझ के 10,138 रखा। ये कल का हाई था, कल का फ्यूचर्स ऑलमोस्ट इसके पास तक पहुंचे, ये और प्रीवियस हाई भी है मार्केट का, अगर ये पार करेगा तब देन शॉर्ट कवरिंग आएगी। कल यहीं से हम फिसले भी थे। स्टॉप लॉस 10,000 का भी आप रख सकते हैं रेंज में। आज बैंक निफ्टी की वीकली एक्सपायरी है, इस चीज़ पे भी ध्यान रखिएगा। सरकारी बैंकों ने कल काफ़ी हिम्मत दिखाई थी,
अगर आज सरकारी बैंक चल गए तो आपको हो सकता है 10,138 का लेवल तो मिल ही जाए, तो इसलिए हम इसी लेवल को सिर्फ आज इंपॉर्टेंस दे रहे हैं। इसके ऊपर जो भी होगा वो तो बोनस भी हो सकता है। रेलवे, डिफेंस और ऑयल मार्केटिंग वाले शेयर्स, आपको मैंने शुरुआत में खबर बताई थी धर्मेंद्र प्रधान वाली, रेलवे की खबर आपको पता ही है कि गुजरात में आज आधारशिला रखी जाएगी बुलेट ट्रेन की, और डिफेंस वाले शेयर्स पर भी आप ध्यान रख सकते हैं। तो इन सब चीज़ों पर आपको इस समय ध्यान रखना होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। जगदीश ठक्कर मार्केट एक्सपर्ट इस बीच मेरे साथ जुड़ चुके हैं, उनसे कुछ टेक्निकल पिक ले लेते हैं और आज का आउटलुक ले लेते हैं मार्केट का, वो कैसे सोच रहे हैं। जगदीश जी शुक्रिया समय देने के लिए। आज आज बाजार कैसे ट्रेड करने वाला है सर? कल और परसों दो दिन का हमको ट्रेड देख के लगा बाजार मजबूत है, कल लास्ट में थोड़ा सा प्रेशर आ गया था, ये कितना सिग्निफिकेंट है? नमस्कार जी, कल जिस तरह से कल बाजार में गिरावट आई उसका जो मुख्य कारण था वो ऑयल मार्केटिंग कंपनीज के बारे में जो निवेदन आया कि अभी उनको जो घाटा है उनको अपने आप बयान करना पड़ेगा, सरकार उसमें कोई उनकी मदद नहीं करेगी। लेकिन उसके बाद जो कुछ बयान आया उसमें उन्होंने संकेत दिया कि अभी आगे से कोई बढ़ोतरी इसके ऑयल डीजल प्राइस में नहीं होगी, यानी कि अभी ऊपर यहाँ से होगा तभी न तभी उनको एक घाटे का जो है नुकसान है वो सहन करना पड़ेगा। मैं समझता हूँ कि ये थोड़ा न्यूट्रलाइज हो गया, लेकिन फिर भी जिस तरह से बाजार कल ऊपर की और एक थोड़ा सा 6 पॉइंट भी बाकी रह गया था 10,137 के ऊपर टच करने में, उसके बाद थोड़ी सी गिरावट आई वो बताता है कि बाजार काफी सेंसिटिव है इस लेवल पे, और थोड़ी सी जो एक खराब कोई समाचार आते हैं तो इमीडिएटली वो गिर जाता है। तो आज का मेरा कॉल सेल का है निफ्टी के अंदर विद अ टारगेट ऑफ 10040 और स्टॉप लॉस ऑफ 10130। अच्छा, आपके आज के शेयर कौन से जगदीश जी? दो शेयर है, एक तो बाय कॉल है एक सन फार्मा का। एक अनकन्फर्म न्यूज आई है कि वो जो उनका जो नया उसने प्लांट बनाया है हालोल में, जो मैं रहता हूँ वहाँ से काफी नजदीक है, उसने यूएस एफडीए को इनवाइट किया है या शायद वो आने वाले हैं, तो बिल्कुल ब्रांड न्यू प्लांट उन्होंने खड़ा किया है। तो कल भी जिस तरह से वो चला है मुझे लगता है कि कुछ अच्छे समाचार शायद एंड ऑफ द मंथ तक मिले, तो वहाँ पे बाय का कॉल है विद अ टारगेट ऑफ 515 और स्टॉप लॉस ऑफ 495। और दूसरा मेरा बाय कॉल है टाटा पावर का, सब लोग इससे काफी बुलिश है, काफी अच्छे टारगेट भी दिए हैं, टारगेट ऑफ 89 और स्टॉप लॉस ऑफ 10। ठीक है जगदीश जी, शुक्रिया आपका कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। आप ये दोनों शेयर्स बता रहे हैं ना, दोनों मार्केट के मोमेंटम वाले शेयर्स है। सन फार्मा पे आप ध्यान रखें, कल डिफेंसिव शेयर में जैसे फार्मा को हम डिफेंसिव मानते हैं उसमें दूसरा सबसे बढ़ने वाला शेयर्स बन गया था सन फार्मा। टिपिकली इतनी अच्छी बढ़त 5% की बढ़त एक दिन में आती नहीं है, ध्यान रखें। खबर भी जगदीश जी बता रहे थे इनके प्लांट पे शायद एक विजिट होगा और उसका क्लियरेंस आ सकते हैं इनके हाथ में, 515 का टारगेट है। और टाटा मोटर्स पे हमने कल हिमन ठुकराल से पूछा था कि शेयर थक तो नहीं जाएगा 6-7%, उन्होंने कहा नहीं थकेगा चलेगा। आज जगदीश जी भी कह रहे हैं कि चलेगा, 89 का टारगेट उनका भी था, जगदीश जी का भी टारगेट है 89 का, आप इस पर ट्रेड रख सकते हैं। तो दोनों शेयर्स हो गए आज के मार्केट के जिस पे आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं, कुछ और ट्रेडिंग कॉल्स भी आप नोट कीजिए। आईडीबीआई कैपिटल कह रहा है कि श्रीराम ट्रांसपोर्ट पे आप ध्यान रखिए, श्रीराम ट्रांसपोर्ट के अंदर डिलीवरी का वॉल्यूम भी काफी अच्छा है, कल हम इसको नोट कर रहे थे 1093 का टारगेट है, आप इस पर एक ट्रेड ले सकते हैं, इट्स अ बाय कॉल और कल ये ऑलमोस्ट फ्लैट था। फिलिप्स कार्बन, ये ऐसे शेयर्स हैं जो कि बिल्कुल थेमेटिक होकर चलते हैं, टायर कंपनी जब भी चले ना आप समझ लीजिए कि फिलिप्स कार्बन जैसे शेयर्स का आपको मूव देंगे, और आप 825 तक का टारगेट रख के इस पर एक बार सौदा खड़ा कर सकते हैं, 794 का आपका एक स्टॉप लॉस भी होना चाहिए, थोड़ा वॉल्यूम कम रखिएगा अर्ली स्टेजेस पे अगर आप इस शेयर को पकड़ रहे हैं तो। इसके अलावा कैपलिन पॉइंट्स के अंदर भी आप ध्यान रख सकते हैं, 740 तक का टारगेट है और 660 का एक स्टॉप लॉस है, ये सौदा भी आपके लिए बेहतर हो सकता है आज का। चॉइस ब्रोकिंग एक और रिकमेंड भी कर रहा है, एक शेयर वो है एल्कन इंजीनियरिंग। ये हालांकि आप पिछले आप एक साल में देखेंगे ना एल्कन इंजीनियरिंग बहुत अच्छे रिटर्न तो नहीं दिए, लेकिन पिछले एक साल में ये कमज़ोर समझा जाता था इंजीनियरिंग कंपनीज के तौर पर, लेकिन टूटा भी नहीं है, तो आज थोड़ा एक मेक ब्रेक वाले कंडीशंस में खड़ा हुआ है। अभी एक्सपर्ट्स ये कह रहे हैं कि ये चल सकता है वापस, तो 59 का टारगेट रख के आप इसमें खरीदारी करें, 51 का एक स्टॉप लॉस भी आप रख सकते हैं, तो आप इस पर ध्यान रखिए। इस पर्टिकुलर शेयर्स हैं, मार्केट का आपको आंकलन आ चुका है तो इस पर आपको ध्यान होगा। अब एक और अहम खबर है जो हम आपके सामने जरूर रखना चाहते हैं, जो शुरुआत में ही रखना चाहते हैं, जरा आप सुनिए। पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों पर लगाम लगाने के लिए सरकार एक अहम कल बैठक हुई है सरकार की, और उस बैठक के अंदर ये कहा गया है कि पेट्रोलियम मंत्री ने ये कहा कि कोई भी सरकारी जिम्मेवारी नहीं होगी आगे चल के, एक्साइज ड्यूटी को लेकर सरकार की कोई जिम्मेवारी नहीं है, सरकार ने कहा ये खुद ही उनको करना है कि आगे कैसे काम किया जाएगा, डायनेमिक प्राइसिंग ट्रांसपेरेंट सिस्टम है। उन्होंने कहा कि जो हम डेली बेसिस पे करते हैं इसमें अभी फिलहाल हम कोई बदलाव नहीं करने वाले हैं। उन्होंने ये भी कहा कि पेट्रोलियम प्रोडक्ट को भी GST के दायरे में सरकार लाने की कोशिश कर रही है, इससे पहले वो GST में नहीं थी, आपको पता है स्टेट को काफी अच्छा रेवेन्यू आता है इसलिए वो GST के अंदर नहीं आए।
अब डायनेमिक प्राइसिंग की आड़ में पेट्रोल डीजल की खुदरा कीमतें लगातार आसमान की ओर जो भाग रही हैं। दिल्ली में जैसे आपको पता है कि पेट्रोल के भाव अब 70 रुपये के पार हो चुके हैं, जबकि मुंबई में तो ये 80 रुपये तक भी पहुंच चुके हैं। इस पे पेट्रोलियम मंत्री ने एक अहम बयान भी दिया, पहले वो जरा सुनिए, उसके बाद इसके एक शेयर भी जानेंगे कि आज शेयर्स में करना क्या है। कुछ दिन पहले फाइनेंस मिनिस्टर साहब ने देश की सारे राज्यों को और जीएसटी काउंसिल के सामने इस विषय को अपील किया था। भारत सरकार भी चाहती है जीएसटी में आ जाए। जीएसटी में आ जाएगा तो एक प्रेडिक्टेबिलिटी रहेगी, क्योंकि राज्यों की टैक्स, जैसे आप सबने आज दिखाया, मुंबई और दिल्ली के अंदर एक बड़ा प्राइस की फर्क है। महाराष्ट्र की टैक्स और देश की बाकी जगह की टैक्स के फर्क है। धीरे धीरे इसको अगर हम जीएसटी रिजिम पे ले आएंगे तो ये जो आप कह रहे हो कि भाई टैक्स प्रेडिक्टेबिलिटी रहेगी और टैक्स की एक इन्फॉर्मिटी रहेगी और एक फॉर्मूला आधारित रहेगी, तो ये पिंचिंग नहीं होगा। ये बात दूसरी है। तो जो मंत्री जी बोल रहे हैं उस बयान से आप आज अगर ऑयल मार्केटिंग कंपनीज पे ट्रेड करना चाहते हैं ना तो रुक जाइएगा एक बार, जरा थोड़ी और क्लैरिटी सरकार की तरफ से आने दीजिए, थोड़ा और मार्केट का मोमेंटम भी क्लियर होने दीजिए। हो सकता है आप अर्ली ट्रेड में सौदा खड़ा कर ले और शेयर टूट भी जाए, तो आपको ध्यान रखना चाहिए, अभी थोड़ा रुक जाइएगा। आज की रणनीति सिर्फ यही कहती है, कहीं भागे नहीं जा रही ऑयल मार्केटिंग कंपनीज। अच्छा, कुछ खबरों वाले और शेयर भी हैं, जरा वो भी देख लेते हैं। सुमित मेरे साथ जुड़ चुके हैं स्टॉक्स टू वॉच लेकर। बताए सुमित, वो ऐसे कौन से शेयर है जिनमें आज न्यूज है? शिक्रा डिम्पी, देखिए सबसे पहले तो आज जो आईपीओ है उनके ऊपर नजर रखनी होगी। इसमें matrimony.com का आईपीओ जो कल बंद हुआ है अच्छे नंबर्स के साथ, करीब 4.5 गुना के आसपास सब्सक्राइब हुआ है, 985 का अपर बैंड था, इस पर कंपनी ने 500 करोड़ जुटाए भी हैं। तो matrimony अच्छे नंबर्स वहाँ पे आते हुए दिखाई पड़े। कैपेसाइट इन्फ्रा, इसका आईपीओ करीब करीब 1.3 गुना अब तक सब्सक्राइब हुआ है, 120 करोड़ कंपनी ने जुटाए थे एंकर इन्वेस्टर के जरिए, और प्राइस बैंड 245 से 250 प्रति शेयर का है। कल तक ये आईपीओ जो है वो खुला रहेगा। अपर एंड पे रफली 400 करोड़ के आसपास कंपनी की जुटाने की योजना है। तो ये एक और ऐसा आईपीओ जो अभी खुला हुआ है, इसके ऊपर आप नजर रख सकते हैं। इंडिगो में जहां पे कल मार्केट आज के बाद एक खबर आई कि वो अपने इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट यानी QIP के जरिए रकम जुटाने की योजना बना रहे हैं, जो QIP का प्राइस बैंड है वो करीब 1125 से 1175 रुपये तय किया गया है। रफली 3780 से 3950 करोड़ रुपये इस QIP के जरिए वो जुटाएंगे। हालांकि इसके जो प्राइस का जो ये तो प्राइस बैंड है, जो इशू प्राइस है उसका डिटर्मिनेशन जो होगा वो 18 सितंबर को होने वाली बोर्ड बैठक के अंदर होगा, लेकिन जो प्राइस बैंड है इसके अकॉर्डिंग कंपनी 3780 से 3950 करोड़ रुपये जुटाने की योजना बना रही है। एयरटेल से जुड़ी हुई खबर है, कोरिया की कंपनी के साथ इन्होंने करार किया है, एडवांस नेटवर्क को लेकर ये करार किया गया है। बहुत ज़्यादा पॉजिटिव नहीं, लेकिन हाँ पॉजिटिव इंपैक्ट आएगा। परसिस्टेंट सिस्टम के लिए अच्छी खबर है कि ई लाइसेंसिंग को लेकर कंपनी को एक ऑर्डर मिला है, गवर्नमेंट ऑफ ओहायो से कंपनी को ये ऑर्डर मिला है, तो एक अच्छा ऑर्डर है, आप नजर रख सकते हैं इसके ऊपर भी। इसके अलावा शोभा लिमिटेड, इसका बायबैक शुरू होने वाला है, 19 सितंबर से 3 अक्टूबर तक इसका बायबैक खुला रहेगा। 425 रुपये प्रति शेयर इसका बायबैक का दाम है, और रफली 62 करोड़ रुपये का एक बायबैक है, छोटा बायबैक है, लेकिन 425 रुपये का जो दाम है वो क्रूशियल है। और आखिरी में टाटा केमिकल, जिसका एक इंडोरामा के साथ कंपनी की बातचीत चल रही है, स्पेशली हल्दिया इकाई जो बेचने को लेकर कंपनी की बातचीत चल रही है, तो इंडोरामा और टाटा केमिकल दोनों के ऊपर आपको नजर रखनी होगी। ठीक है, ये कुछ एक सिलेक्टेड शेयर्स हैं जिसपे आप एक ट्रेड ले सकते हैं। बड़ा इंटरेस्टिंग होगा शोभा का, जिसमें 425 तक का बायबैक की खबर आ रही है, और एक लास्ट में जब सुमित जो बता रहे थे कि टाटा केमिकल की इंडोरामा के साथ कंपनी की एक बातचीत चल रही है और ये हल्दिया इकाई को बेचने के लिए चल रही है, तो आप इन दोनों शेयर्स पर ध्यान रखिएगा। टाटा केमिकल पर खासकर ध्यान रखने वाला शेयर है। आगे बढ़ते हैं। अब हर रोज सेबी कुछ ना कुछ एक सर्कुलर लेके आता है। मार्केट रेगुलेटर सेबी ने स्टॉक एक्सचेंजेस के लिए आउटसोर्सिंग नियमों पर सर्कुलर जारी कर दिया है। NSE डार्क फाइबर केस से सबक लेकर सेबी ने यह फैसला लिया है। सर्कुलर के मुताबिक आउटसोर्सिंग के लिए सेबी बोर्ड से मंजूरी जरूरी हो जाएगी। स्टॉक एक्सचेंजेस को 6 महीने में पॉलिसी लागू करनी होगी। आउटसोर्सिंग का यह नियम क्लियरिंग ऑपरेशन पर भी लागू होगा। कोर ऑपरेशंस को आउटसोर्स करने की इजाज़त नहीं होगी, और आउटसोर्सिंग पर भी सारी जिम्मेदारी एक्सचेंजेस की ही होगी। एक्सचेंज से पूछे बिना आउटसोर्स का ठेका आगे किसी भी कंपनी को नहीं दिया जा सकेगा। ये सर्कुलर जारी किया। अब अगर आप डार्क फाइबर से सूचित नहीं है तो आपको मैं बता दूं, डार्क फाइबर जी बिजनेस ने सबसे पहले मुहिम चला के आपको इस सामने आपके बात रखी थी कि कुछ एक्सचेंजेस से टेक्नोलॉजी की हेल्प से कुछ पर्टिकुलर ब्रोकर्स तक सबसे पहले इंफॉर्मेशन पहुंचाई जाती है, जो कि आम लोगों तक नहीं पहुंच पाती जल्दी से, तो टाइम का फर्क होता है।
उसको लेकर जांच चल रही है और इसी से सबक सेबी ने लिया और ये जो रेगुलेशंस वो लेके आए हैं।